साउथ दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के गौतम नगर में स्थित निकुंज हाउस में करवा चौथ को लेकर अनमोल सहारा संस्थान वन स्टॉप सॉल्यूशन साउथ डीएम ऑफिस की तरफ से महिलाओं को लेकर करवा चौथ का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने डांस किया, संगीत सुनाया और कविताएं भी सुनाई। यह कार्यक्रम करवा चौथ को लेकर किया गया था, जहां पर गौतम नगर और इस संस्थान से जुड़े महिलाएं भी पहुंचे, जहां उन्होंने डांस किया और गीत गाए। अनमोल सहारा संस्थान के संस्थापक सदस्य एकता गुप्ता ने बताया कि आज करवा चौथ को लेकर गौतम नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद ही है कि महिलाएं आए और अपनी समस्या बताएं। इसके अलावा किस तरीके से महिलाएं आज के समय में काम कर रही है और उन्हें कितना जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा समय समय पर अनमोल सहारा संस्थान वन स्टॉप साउथ दिल्ली की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसको लेकर महिलाएं जागरूक भी रहती है तथा उनके भविष्य और उनके मानसिक तनाव को भी हासिल किया जाता है। यहाँ पर आज काफी संख्या में महिलाएं और जो संस्थान से जुड़ी हुई है एक दूसरे महिलाओं को भी अपने कार्य के बारे में, अपने हुनर के बारे में या महिलाएं जाकर बताते हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी भी महिला सशक्त नहीं बन पाई है। इसको लेकर हमारे संस्थान लगातार महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मैं एकता गुप्ता, अनमोल सहारा की फाउंडर मेंबर, और हमारी संस्था 2004 से महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रही है। आज हमने सभी हमारी संस्था की तरफ से जितने भी SHG ग्रुप्स हैं उन्हीं सभी ग्रुप्स की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें करवा चौथ सेलिब्रेशन रखा गया था और इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर की अवेयरनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मिनिस्ट्री की स्कीम है उसके बारे में भी हमने बताया। साथ ही डेंगू अभी कोरोना अभी गया नहीं है उसकी अवेयरनेस भी हमने करी। तो ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम था अवेयरनेस प्लस करवा चौथ सेलिब्रेशन का। हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे थे, एक फैशन शो रखा गया था ताकि उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए लोगों के सामने और स्टेज पे आने का। सेकेंडली हमने डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी, कॉम्पिटिशन रखा गया था उनके गाने का, उनके ड्रेसअप का और उनके परफॉर्मेंस डांस को देखते हुए हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वो रखा गया था। और फैशन शो के अंदर जो बहुत कॉन्फिडेंट था, इसका बेसिक उद्देश्य है ये वही महिलाएं हैं जो घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं। इतने सारे लोगों को उन्होंने आज तक फेस नहीं किया, तो हमारा उद्देश्य है कि इतने सारे लोगों के सामने वो आके अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और उनमें कॉन्फिडेंस आए। कि इस चीज के लिए मैं सबसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अनमोल सहारा ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन महिलाओं को दिया है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारी इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इनको किया है कि जिन महिलाओं को जो भी चीजें आती है उनको सबको इकट्ठा किया और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत इनको जोड़ा है। तो आप यही चीज देख सकते हैं कि इनके अंदर कितना एक इनिशिएटिव इन्होंने कितना लिया कि खुद बाहर निकल कर आईं। इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई लेकिन इन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक फैशन शो जैसे भी था अपना खुद तैयार होकर आई हैं, बिंदास तरीके से आई हैं और एक पूरा अपने आप को दिखाया कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और यही चीज़ें हैं कि हम इन्हीं चीज़ों के थ्रू महिलाओं को आगे जो हम कहते हैं कि भाई जागरूक करना है उनको स्वयं अभी हम लोगों को, तो हम कैसे कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं ना उनके अंदर एक चीज़ को दिखाना कि वो कर सकती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई हैं इतना खुश हैं वो ये सब चीज़ों को देख कर और कर कर, और आज वो परफॉर्मेंस भी उन्होंने इतनी अच्छी बेस्ट दी है तो उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन ऊपर लेवल तक जा रहा है और भी वो बेस्ट आगे कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आके कि महिलाएं एकत्रित हो गई सबसे पहले, क्योंकि जो महिलाएं घरों में हमेशा बंद कैद वाले माहौल में रहती हैं तो वो उनके अंदर हालांकि हुनर सबके अंदर है, इस आज इस माहौल को देख के मुझे लगा कि हुनर हर महिला के अंदर है, मौजूद है, कहीं कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि जहां वो अपने हुनर को निकाल सकें। तो ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं या छोटे छोटे इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर हम महिलाओं के साथ करें तो हमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा हुनर बाहर निकल के आता हुआ नजर आएगा।